फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निधि और पॉजिटिव आशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पनीर पटियाला, बिल्कुल होटल वाले स्टाइल में। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बनाने में बहुत आसान है। आप इसे रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे साथ फिट स्टाइल में। पनीर पटियाला बनाने के लिए हमने पनीर और सब्जियों की जो भी कटिंग करनी है वो हम लंबाई में करेंगे, यानी कि जूलियन में। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। तो अब घी गर्म हो चुका है तो इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 छोटा टुकड़ा अदरक और 4 से 5 कलियां लहसुन की। इन सभी चीज़ों को मैंने पतला पतला काट लिया है और अब हम इन्हें गुलाबी होने तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और अब देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम यहाँ ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने लंबाई में ही कट किया है, इसे भी ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और अब स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो आपने जितना भी नमक डालना है आप इस टाइम पे ही डाल लीजिए। मैं यहाँ 2 छोटे चम्मच नमक डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर नरम होने शुरू हो चुके हैं। करीब हमें इसे 2 मिनट तक भूनना है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में 2 से 3 छोटे चम्मच पानी डालकर हमने एक इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार करना है। और इस पेस्ट को हमने प्याज और टमाटर के मिक्सचर में मिला लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और अब इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर हमने पकाना है, जब तक कि ये किनारे ना छोड़ने लगे। और आप देख सकते हैं मसालों का कितना सुंदर कलर आया है, क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, कोई अलग से हमने फूड कलर इसमें नहीं ऐड किया है। और अब मसाले भूनकर तैयार हो चुके हैं, इसने किनारे छोड़ने शुरू कर दिए हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हमने इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये देखिए मसाले, एक बार मैं आपको वापस से दिखा रही हूँ कितने बढ़िया तैयार हुए हैं। और इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे 1 कप फेंटी हुई दही। दही मैं हमेशा इस टाइम पे ही ऐड करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक तो इससे टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा दही के फटने का भी डर नहीं रहता है। तो अब हमें इसे पीस लेना है और पीसने के बाद देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी तैयार हुई है। तो अब वापस से एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच घी। आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन पनीर पटियाला है, आप इसे घी में बनाइए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और अब लंबाई में कटे हुए 4 से 5 कलियां लहसुन की और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, वो भी मैंने लंबाई में काटा है, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो अब अदरक और लहसुन अच्छे से भुन गए हैं तो इसमें हमने अभी जो ग्रेवी तैयार की है टमाटर और प्याज की, उसे ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के लिए गाढ़ा होने तक हमने पकाना है। लगभग अब 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है। तो अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए। तो जार में ही मैंने 1 कप पानी डाला और अच्छे से सब कुछ मिक्स करके, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, और वही पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया।
अच्छी तरह से मिलाने के बाद जब एक उबाल आ जाए तो इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच चीनी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक के लिए लिड लगाकर इसे पकाएंगे। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी में एक बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है और सभी मसाले बहुत अच्छे से एक सार हो गए हैं, अच्छे से कुक हो गए हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी जिसे मैंने पाउडर बना लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से हम एक बार फिर से मिला लेंगे और अब ग्रेवी में एक बहुत अच्छा उबाल आ गया है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने प्याज काट के रखे हैं और शिमला मिर्च भी काट के रखे हैं, दोनों को मैंने लंबाई में काटा है, जूलियन में काटा है। तो अब हम प्याज और शिमला मिर्च को ग्रेवी में ऐड कर देंगे। प्याज और शिमला मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे थोड़ा सा क्रंची रखना है। तो अब एक बढ़िया सा मिक्स देंगे हम इसे और ये देखिए पनीर को भी मैंने लंबाई में ही काटा है। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मुझे पनीर ऐसे ही पसंद है इसमें ऐड करना, तो मैं इसे इसी तरह से ऐड कर रही हूँ। अब एक एक करके बड़े प्यार से हमने इसमें पनीर को ऐड कर देना है और आप ग्रेवी का कलर देख सकते हैं कितना बेहतरीन तैयार हुआ है। और अब इसे भी एक बारी मिला लें। अब इसमें आधा कप पानी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो आप भी अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लें। और अब इसे लिड लगाकर हम बस 1 मिनट तक के लिए पकाएंगे। और अब देखिए क्या सॉलिड वाला टेक्सचर और कलर आया है हमारी पनीर पटियाला का, बिल्कुल होटल स्टाइल। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। आप चाहें तो घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बस अच्छे से एक बारी फेंट लें। तो यहाँ लगभग मैं 2 से 3 छोटे चम्मच क्रीम ऐड कर रही हूँ इसे थोड़ा सा रिच फ्लेवर देने के लिए। और इसे भी मिला लेंगे हम और इसके बाद ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। आप चाहें तो किचन किंग मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब लिड लगाकर 1 मिनट तक के लिए ढक देंगे ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है उसकी जो खुशबू है ग्रेवी में पूरी तरह से रच बस जाए। और ये देखिए हमारा पनीर पटियाला होटल स्टाइल बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं लग रहा है ना बिल्कुल क्लासी टेक्सचर वाला होटल स्टाइल पनीर पटियाला। और जब आप भी इसे अपने किचन में बनाएंगे ना तो ये इतना ही बेहतरीन तैयार होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। अब थोड़े से हरे धनिए के पत्ते हम इसके ऊपर रखेंगे और होटल वाला इफ़ेक्ट देने के लिए थोड़ी सी क्रीम हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। और एक छोटा सा हरा धनिए का पत्ता बीच में और लीजिए, तैयार है होटल स्टाइल पनीर पटियाला खाने के लिए और खिलाने के लिए। और अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाऊंगी कि पनीर कितना सुपर सॉफ्ट है। तो ये लीजिए अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं और बस अब आप इसके एक एक पीसेस का मज़ा लीजिए। ये देखिए चम्मच लगाते ही ये टूट जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अगर आपके घर में कोई ख़ास ओकेज़न है या कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सबको ये बहुत पसंद आने वाला है। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।